हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गर्ल्स टॉप बनाना सिखाऊंगी, किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमने कपड़े को दो भागों में इस तरीके से रख लिया है। इस तरीके से कपड़े को बिछाएं, बिल्कुल बराबर कर लें इसको और इसे एक बार और फोल्ड कर लें। ये हमारी चार तय हो गई है, चार बार फोल्ड हो गया। ये इस तरीके से इसे बराबर कर लेंगे और अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो ये हमारा बन साइड है, हम यहाँ से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप लंबाई अपने अनुसार ले सकते हैं, 25, इसमें हमने 25 इंच रखी है और शोल्डर हमने 8 इंच रखा है। 8 इंच पर आप शोल्डर का निशान लगाएं। इसमें हम बोट नेक बनाएंगे तो इसमें शोल्डर हमने 8 इंच रखा है और आर्म होल इसमें 7 इंच रखा है। और यहाँ पर हमने चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट 32 है तो उसका 1/4 लगाएंगे यहाँ पर निशान। 8 इंच पर हमने चेस्ट का निशान लगाया है और ऊपर से हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे एक, और यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर 28 है तो उसका चौथा भाग पे निशान लगाएंगे, 1/4 पे 7 इंच। 7 इंच पर हमने निशान लगाया है और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे दोनों को। निशान मिलाने के बाद हम यहाँ से घेर रख लेंगे। घेर आप अपने अनुसार रख सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा रख लें और इसे इस निशान को इससे मिला लें, ऐसे हल्की सी गोलाई देते हुए। अब हम गले पे निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हमने 4 इंच रखा है, चौड़ाई में 4 इंच रखा है और 3 इंच हमने गहराई रखी है इसकी। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें अब हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1 इंच पर हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरीके से नेक को बनाएंगे। ये देखिए हमने निशान लगा लिए। एक बार इसमें दोबारा से मैं डार्क कर लेती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे भी 1 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे 1 इंच पर कटिंग के लिए। तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। इस तरीके से कपड़े को उठाएं ना और इसकी कटिंग करें। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब मैं इसके नेक की कटिंग कर रही हूँ। ये हमने गले की कटिंग कर ली है और ऊपर से जॉइंट है जो शोल्डर पर, इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारे टॉप की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए ये हमारा बोट नेक बन गया है, कटिंग हो चुकी है इसकी। अब हम गले के लिए जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है हमारे पास, इसमें गले के लिए हम पट्टी को काटेंगे। तिरछी पट्टी काटी जाती है गले के लिए और बाजू में मैं इसमें फ्रिल लगाऊंगी। हमारे पास बॉर्डर है उसकी हम बाजू में लगाएंगे फ्रिल। इस तरीके से हमारे पास ये कपड़ा बचा है और इसकी हम तिरछी पट्टी काट लेंगे और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये मैंने तिरछी पट्टियाँ काट ली है इसकी। ये देखिए आप जितनी आपको चाहिए उतनी कटिंग कर लें और अब मैं इसको आपको सिल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने जो तिरछी पट्टी ली है उसको गले में रखेंगे हम। ये हमारा सीधी तरफ साइड है टॉप का, ये साइड सीधी साइड है। सीधी साइड से हम पट्टी को लगाएंगे और इसमें सिलाई करेंगे।
इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है इसमें। ये हमने इसमें सिलाई करने के बाद हम एक सिलाई इसके ऊपर भी लगाएंगे, ताकि जो है गले में सफाई आ जाए। ये देखिए, एक सिलाई हम इसके ऊपर इस तरीके से किनारे पर लगाएंगे और फिर उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप इसे वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर इसमें पहले इस तरीके से सिलाई लगा लें किनारे पर और उसके बाद इसे फोल्ड करें। देखिए, ये हमने इस तरीके से लगा लिए और इसे फोल्ड करके इसमें सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से इसमें इसी तरीके से हमें आगे और पीछे जो नेक है दोनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। और दोनों तरफ सिलाई करने के बाद हम कंधे पर भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमने गला का बना दिया है और इसमें कंधे ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे बाजू में। तो ये हमारे पास बॉर्डर का कपड़ा है, इसे हम बाजू में लगाएंगे। ये हमने सीधी साइड रखा है टॉप को और इस तरीके से इसे किनारे पर इसे रखते हुए इसमें थोड़ी छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल पास पास। इसमें आप दोनों बाजू में इसी तरीके से लगाएं आप फ्रिल को। देखिए, बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं। कोई प्लेन कपड़ा है तो प्लेन कपड़े या पिंक कलर की पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू में भी लगाएंगे। और बाजू में लगाने के बाद एक सिलाई हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे किनारे पर। किनारे पर ऊपर से सिलाई कर लेंगे। देखिए, सिलाई हमारी लग चुकी है। दोनों साइड लगा लिए हमने। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसको उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से हम दोनों साइड हमने चेस्ट का निशान लगा लिया। यहाँ पे 32 चेस्ट थी हमारी दोनों साइड और कमर पर भी हमने निशान लगा लिया 28 कमर के हिसाब से। और अब हम इसमें सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड हम इसमें सिलाई कर लेंगे। हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है। उसके बाद हम इसमें नीचे से मोड़ने से पहले इसकी लेंथ नाप लेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें छोटा बड़ा हो जाता है। तो नीचे से हम बराबर की कटिंग कर लेंगे और फिर हम नीचे भी इसे फोल्ड करेंगे। नीचे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से पहले नीचे हल्की सी गोलाई दे दें आप दोनों साइड पर। ये देखिए, ये हमने गोलाई दी है इसमें। और उसके बाद हम इसमें सिलाई करें। उसके बाद
देखिए हमारी गोलाई में सिलाई, धीरे धीरे करें क्योंकि गोलाई में खींचना नहीं है कपड़े को, नहीं तो ये गोलाई में ठीक से नहीं होता है अगर आप इसे खींचेंगे कपड़े को, तो इसलिए कपड़े को खींचना नहीं है सिलाई करते हुए। इस तरीके से हमारा जो ये है टॉप सिलकर तैयार हो गया है, और अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए ये हमारी टॉप बन गया है, ये देखिए बाजू है इसकी, फ्रिल लगी हुई है, ये देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।